शांति। आज 30 जुलाई 2024 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे दुख हरता सुख करता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के दुख दूर कर नहीं सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है, शांति स्थापन कैसे होगी? उत्तर है, विश्व में अशांति का कारण है अनेकानेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाप आकर एक सत धर्म की स्थापना करते हैं, वह शांति हो जाती है। तुम समझ सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहां मीटिंग करते हैं उसका नाम है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या होती है दो प्रकार की, एक है जिस्मानी विद्या जो स्कूलों कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वह कोई दूसरी चीज है। अब विद्या किसको कहा जाता है यह तो मनुष्य जानते ही नहीं। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। भारतवासी मूंझ पड़े हैं। गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान, वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं है। भारतवासियों का धर्म शास्त्र तो वास्तव में है ही एक, सर्व शास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते हैं, या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवानो वाच। पहले तो यह समझे कि ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसका नाम है शिव। शिवरात्रि भी मनाते हैं, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता है। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते हैं, शिव कौन है यह भी नहीं जानते। बाप कहते हैं भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में नहीं है। कहते भी हैं प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का अर्थ भी नहीं जानते। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया। वहाँ तो ऋषि मुनि थे ही नहीं। यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं, वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नीति नीति कह देते हैं। वही जानते नहीं तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हो गए हैं वह कैसे जान सकते। इस समय साइंस का घमंड भी कितना है। इस साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया है। इसको माया का पॉम्प कहा जाता है। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। कहते भी है कि इस समय भारत का पतन है, सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह कोई स्वर्ग थोड़े ही है, यह तो माया का पॉम्प है, इसको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल बिजलियां है, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इस समय है छठा बेटी माया और ईश्वर की, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की।
यह भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो अर्जुन बहुत आने वाले हैं, अथाह दुख आना है। स्वर्ग तो होता ही सतयुग में है, कलयुग में हो न सके, यह भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, यह भी बाप समझाते हैं। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते हैं। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं। ब्रह्मा का दिन और रात सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है कलयुगी कुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, यह बातें और कोई नहीं जानते। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं। भारत सतो प्रधान था, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ शांति भी है सुख भी है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना, तुम समझा सकते हो। मनुष्यों की वृद्धि कैसे कम हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में ही शांति होती है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है, पतित पावन कौन? श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है, सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते हो, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म है, सुनते हैं समझते कुछ नहीं। बाप ने कहा है बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंड भी बहुत बन गए हैं, साइंस से ही अपने विनाश कर लेते हैं तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। बॉम्ब सादी बनाते हैं अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं है, जो कुछ बनाते हैं इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते हैं स्त्रियों का दुख कैसे दूर करे, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते, यह भी समझते नहीं। जो समझते हैं वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते हैं। जो राज्य पद के अथवा आदि सनातन देवता धर्म के हैं वह निकल आते हैं। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, क्या कर्म किया जो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में तो अनेकानेक धर्म हैं तो अशांति है, नई दुनिया में ऐसे थोड़े ही होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप ही कर्म अकर्म विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाते हैं, वहाँ विकर्म होता नहीं, दुख होता ही नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही आकर अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ, इस रथ में प्रवेश करता हूँ। अकाल मूर्त आत्मा का यह रथ है, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है, यह शरीर बोलता चलता है। अकाल आत्मा का यह चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी हैं, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा तो अकाल है, तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं, इस समय करोड़ों आत्माओं के तख्त हैं। अकाल आत्मा को कहा जाता है,
आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ, भल कहते ही प्राचीन भारत का योग, परंतु वह भी समझते हैं श्री कृष्ण ने सिखाया था, गीता को ही खंडन कर दिया है, जीवन कहानी में नाम बदल दिया है, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है, शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वह कैसे आते हैं यह जानते नहीं हैं। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है, आत्माओं की महिमा अलग है, बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण है। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, फर्क तो है नहीं, बाकी चार भुजा वाला आठ भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं है। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी हैं, समझाने में समय लगता है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही गरीब निवास, मैं आता ही तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है, राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा थी, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है, इसलिए बाप फिर भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। भगवानु वाच, मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए हैं। बाप खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही हैं, कोई बिरले समझकर कोर्स करते हैं, रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है, यह नॉलेज बाप ही देते हैं। फिर राजय मिल जाती है तो वह नॉलेज की दरकार नहीं, सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, दुर्गति कहा जाता है पुरानी दुनिया नर्क को। बाप समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, बच्चों को भी ऐसे समझाना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है, यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं जो बाप स्थापन कर रहे हैं, देवताओं का पवित्र धर्म पवित्र कर्म था, अभी यह है ही विशेष वर्ल्ड, नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड शिवालय। अब समझाना पड़े तो बिचारों का कुछ कल्याण हो, बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है, वह आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर सबका कल्याण करते हैं, पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है, इस पर रोज टाइम लेकर समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। यह गीता का एपिसोड चल रहा है जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, डबल सिरताज बनाया है, यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से यह बने हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितने सहज समझाते हैं, अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की सिखलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं, यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़ने और पढ़ानी है। दूसरी पॉइंट है, सदा नशा रहे कि हम ब्राह्मण सच्चे मुख वंशावली हैं, हम कलयुगी रात से निकल दिन में आए हैं, यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग, इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है आज का वरदान है। हर श्रेष्ठ संकल्पों को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव, हर श्रेष्ठ संकल्पों को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विश्लेषण है,
मास्टर सर्वशक्तिमान माना, संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो, जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उसे काम में लगा सके। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानी होती है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में क्रोध है, तो इससे बाप के नाम की ग्लानी होती है। अच्छा, ओम शांति।